नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर पॉइंट, सबसे तेज सबसे सटीक। दोस्तों, यूपी सरकार ने अधीनस्थ सेवा आयोग का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपके 5709 पदों की भर्तियां 28 जुलाई से शुरू की जाएंगी। और ये कैलेंडर आपको, इस कैलेंडर में आपको मिल जाएंगे कि इस साल कौन कौन से परीक्षाएं होने वाली हैं और डेट कब है, कब से कब, और सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपने न्यू व्यूअर से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए बताते हैं कि कौन सी परीक्षाएं कब निकलने वाली हैं। ये देखिए, यहाँ पे लाइव हिंदुस्तान.com हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से निकला हुआ है और ये आपको 9 तारीख को, मतलब आज के दिन ही निकला है। और ये टाइम देखिए इसका 16, मतलब 4:40 पे निकला हुआ है। और तो ये इसमें यूपी ट्रिपल एसएससी कैलेंडर 2019 निकला है और यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए इस साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। मतलब इस साल होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसमें 10 विभागों में 5709 पदों, मतलब 5709 पदों पर भर्ती परीक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेंगी। मतलब 28 जुलाई से शुरू होगी आने वाला और 24 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जून माह में निकाले गए 21 विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1186 पदों की भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। मतलब जून में कनिष्ठ सहायक के 1186 पदों की भर्ती का कार्यक्रम भी इसमें जोड़ा जाएगा। कुल मिला के 5709 पदों के लिए होने वाली 10 परीक्षाओं में 17,30,866 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मतलब लगभग 17,31,000 परीक्षार्थी। जुलाई अगस्त को छोड़कर हर महीने दो दो परीक्षाएं कराई जाएंगी। मतलब केवल जुलाई और अगस्त महीने में एक एक परीक्षा हो सकती है, नहीं तो अन्यथा हर महीना दो दो परीक्षाएं की जाएंगी। अब चलिए देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। ये देखिए, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित भर्ती परीक्षा है। यहाँ पर दिया है छोटे में, ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा जो कि 2016 का था, वो आपको जिसमें 641 पद है और ये 28 जुलाई को कराई जाएगी। मतलब ये निकला था एडवर्टाइजमेंट आपको 2016 में, लेकिन इसकी परीक्षा आपको 28 जुलाई 2019 को कराई जाएगी। और परीक्षार्थी इसमें अगला है गन्ना पर्यवेक्षक समान चयन होगा, जो 2016 में ये भी निकला हुआ था इसका नोटिफिकेशन, इसमें भी 437 पद थे और इसका परीक्षा 31 अगस्त को होगा। और परीक्षार्थी भाग लेने वाले 16,075 लोग। तीसरा है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा 2019 में निकला हुआ था एडवर्टाइजमेंट, इसमें 672 पोस्ट है और इसका परीक्षा 14-15 सितंबर को, मतलब 2 दिन होगा। और इसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थी 11,04,652। इसके बाद है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इसमें 420 पोस्ट है और ये परीक्षा 25 सितंबर को होगा, इसमें 3,246 परीक्षार्थी भाग लिए हैं। उसका सम्मिलित तकनीकी सेवा में 292, जिसका परीक्षा 6 अक्टूबर को होगा और ये भाग लेने वाले परीक्षार्थी 52,156। फिर अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये आपको 2016 में इसका नोटिफिकेशन निकला था और अब जाके इसका परीक्षा होगा, तो इसमें 79, मतलब 79 पोस्ट है और परीक्षार्थी
इसमें लगभग 13,726, और परीक्षा इसका होगा 12 अक्टूबर को होगा। मतलब देखिए एक महीने में दो परीक्षा हो रही है, एक सम्मिलित तकनीकी सेवा, अगला कंप्यूटर ऑपरेटर। ये एक महीने में दो हो गया, अक्टूबर महीने में दो और सितंबर महीने में दो हो गया। ये देखिए सितंबर में दो, ये हो गया अक्टूबर में दो। फिर है कनिष्ठ सहायक, अभी इसका आवेदन जारी किया गया है। इसमें 1186 पोस्ट है और ये 3 नवंबर को होगा। इसमें लगभग करीब करीब 3 लाख अभ्यर्थी भाग लिए हैं। अगला सम्मिलित जेई और वस्तुविद, ये भी नोटिफिकेशन 2016 का है। इसमें 489 पोस्ट हैं और ये 24 नवंबर को होगा। इसमें लगभग 43,167 अभ्यर्थी भाग लिए हैं। फिर अगला है सम्मिलित जेई संगणक फॉरमैन चयन, 2018 में नोटिफिकेशन निकला था। इसमें पद है 1477 और 8 दिसंबर को इसका परीक्षा होगा। इसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थी हैं 119,376 और अंतिम है कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त सवर चयन, 2018 में नोटिफिकेशन निकला था। इसमें पद 16 पद है और ये 24 दिसंबर को इसका परीक्षा होगा। अब भाग लेने वाले परीक्षार्थी 11,742, इसका मतलब ये मतलब दो परीक्षाएं होगी एग्रीकल्चर वाले की। पहला है गन्ना पर्यवेक्षक का और दूसरा है कृषि उत्पादन मंडी का। जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर का वीडियो बनाते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट डेट 31 दिसंबर को और 31 अगस्त और 24 दिसंबर को परीक्षाएं होंगी हम लोग की। एक गन्ना पर्यवेक्षक और दूसरा कृषि उत्पादन मंडी का। तो ये अगला देखिए भर्ती के लिए पारदर्शी व्यवस्था, मतलब भर्ती के लिए पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी। यह आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करते हुए सभी परीक्षाओं की स्थिति साफ की है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि कौन कौन सी भर्तियों की जांच प्रक्रिया चल रही है और उनकी वस्तु स्थिति क्या है। आयोग का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये धन्यवाद।